सो हे ऑल एंड गुड इवनिंग टू एवरी वन. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. तो ये काउंसलिंग तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका ये क्वेश्चन था मेरे से कि दी 50 से कम मार्क्स वालों की काउंसलिंग होगी या नहीं. तो अभी मैं आपको अगर रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी भी जो मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात करी तो भी खाली वेस्ट होने वाला है. बिकॉज इसीलिए क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी को पता है, हमको नहीं पता है, और अभी 50 से कम वालों की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं हो रही है. तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि जिनके 50 से कम नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम स्टूडेंट्स हैं. जैसे मैंने आपको अगर आप लोग जो नर्सिंग का रिजल्ट देखेंगे उसमें सिर्फ 50 नंबर 153 रैंक तक ही आ रहे हैं और हमारे पास नर्सिंग की बहुत सारी सीट्स वेकेंट है. मतलब बहुत सारी सीट्स हमारे पास 352 खाली रह जाएंगी अगर ये लोग सेकेंड काउंसलिंग में 50 से कम नंबर वालों को चांस नहीं देते हैं. मे बी फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी को इस बात का आइडिया नहीं है कि कितनी सीट्स मतलब वेकेंट रहने वाली है, कितनी सीट यहाँ पर खाली रहने वाली हैं अगर वो 50 से कम नंबर वालों को मौका नहीं देते हैं. तो मुश्किल से ही फर्स्ट राउंड में 60 to 70 सीट्स फिलअप होंगी अगर ये लोग सिर्फ 50 से ऊपर नंबर वालों को प्रायोरिटी देते हैं. तो क्योंकि उतने ज़्यादा नंबर नहीं है 50 से ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो. अब आप लोग बोलोगे दी प्रीवियस ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 50 से कम नंबर वालों को नहीं लिया था. तो मैं आपको बता दूँ अगर आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे या फिर कंपेयर करोगे ना तो उसमें 50 नंबर वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जिससे कि उनकी सारी सीट्स क्या हो गई थी, फिलअप हो गई थी ईजिली. हो सकता है वो लोग इस बार फर्स्ट राउंड में उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में प्रायोरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो जो इंटेलिजेंट हो, जिनकी हाई रैंक हो, ताकि उनके कॉलेज को बेनिफिट हो, उनका एजुकेशनल जो स्टेटस है वो बहुत इंप्रूव हो. बट आप लोग जिनके 50 से कम नंबर है सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले, पैरामेडिकल एएनएम और जीएनएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके तो 50 से नंबर कम हो ज़्यादा हो काउंसलिंग ईजिली कंडक्ट हो रही है. बट यहाँ पर बात हो रही है बीएससी नर्सिंग की. अगर आपकी 183 रैंक है, 170 रैंक है, 160 रैंक है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक होती है. इसमें इजिली आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है. इवन बच्चों को इस रैंक में जो इनकी जो ओबीसी कैटेगरी के थे ऐसे, ठीक है, उनको तो हल्द्वानी और दून जैसे कॉलेज भी मिले हैं. तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर, क्योंकि बहुत सारे 352 समथिंग 300 से ऊपर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं. आप लोग सीट मैट्रिक्स में ईजिली काउंट कर सकते हो, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट की. चलो माना अगर ये लोग आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप लोग देखोगे गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट मैट्रिक्स दोनों में कॉलेज मिला के बीएससी नर्सिंग के 31 कॉलेजेस हैं. उसमें इतनी सारी सीट वेकेंट रहने वाली हैं अगर ये 50 से कम नंबर वालों को नहीं देंगे. और कभी भी गवर्नमेंट अपना लॉस नहीं कराना चाहेगी. मे बी अभी इस बात का उनको आइडिया नहीं है कितनी सीट्स एम्प्टी रहने वाली हैं. बट आप लोग प्लीज़ सेकंड काउंसलिंग का वेट करिए. जहाँ तक है सियोरिटी है कि आप लोगों की काउंसलिंग होगी जिनके 50 से नंबर कम है. बिकॉज बहुत सारी सीट्स खाली रह जाएंगी और ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि उनके कॉलेज में सीट्स खाली हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो वो लोग पढ़ाएंगे किसको, ठीक है. और अगर गवर्नमेंट नहीं तो कम से कम प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारी सीट्स हैं, ठीक है. अगर आप लोग देखोगे सीट मैट्रिक्स बीएससी नर्सिंग वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के 31 कॉलेजेस हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है 31 कॉलेजेस होना. और ये जिनके 50 से ऊपर नंबर है वो सिर्फ टॉपर्स हैं, समझ रहे हो. उनको तो मिल जाएगा देहरादून और हल्द्वानी में अच्छा खासा एडमिशन या फिर अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, उसके बाद. इसलिए वो अभी पूरे ऑप्शन भी शो नहीं कर रहा है. जैसे बच्चे कह रहे ना कि हमें नर्सिंग के सिर्फ 3 कॉलेज दिखा रहा है, 4 कॉलेज दिखा रहा है, वो सिर्फ नंबरों के मतलब बेसिस पर आपको कॉलेज दिखा रहा है क्योंकि वो कॉलेज उनको इजीली मिल जाएंगे. तो मैं आपसे यहाँ पर एक यही बोलूँगी, कंक्लूजन यही आपका निकालूंगी. तो प्लीज़ आप सेकेंड राउंड तक का वेट करिए. ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 50 से कम नंबर वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी. जहाँ तक है दी जाएगी, अदरवाइज पूरी सीट वेकेंट रहने वाली है और ऐसा यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं चाहेगी, नए उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहेगी. तो प्लीज़ आप लोग एक बार सेकेंड राउंड तक का वेट कर लीजिए जिससे कि पूरी क्लियरिटी हो जाए कि सीट मिलेगी. अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, वो तब भी आपको मिलेगी. तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, सेकंड राउंड का वेट करिए और तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की काउंसलिंग भी होगी. और कुछ भी अगर ज़्यादा जानना है तो 8:30 बजे मैं रोज़ लाइव आती हूँ, वहाँ आके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए. और प्लीज़ पैनिक मत होइए. आई लव यू ऑल.